हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थी भी है। एक बार अगर बच्चों ने इसे खा लिया तो बार बार इसी की डिमांड करेंगे। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सब्जियाँ लेंगे। तो एक बाउल में हमने एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, एक प्याज को बारीक काट लिया है, इसे भी हम कटोरी में डाल देंगे। दो हरी मिर्ची ली हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है, और एक लाल मिर्ची, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, एक छोटी गाजर को बारीक टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक, आधा चम्मच हमने काली मिर्ची को दरदरा कूट लिया था इसे डालेंगे, और इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी वेजिटेबल्स को हमने मिक्स कर लिया है, और अब इसे हम रख देंगे साइड में, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कटोरी सूजी ली है, आप कोई भी कप या कटोरी के माप से ले सकते हो। इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे, तो मिक्सी का जार छोटा होने की वजह से हम आधी सूजी बाद में यूज़ करेंगे। एक चौथाई कप दही डालेंगे, उतना ही हमने इसमें पानी डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम पानी और डालेंगे। अब मिक्सी का ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही गाढ़ा पीसा है, तो इसमें एक चौथाई कप पानी और डालेंगे और इस तरीके से इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बाकी की जो सूजी बची थी उसे भी हम इसी तरीके से पीसकर बाउल में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक और एक चुटकी मीठा सोडा, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये बैटर गाढ़ा है, तो दो छोटे चम्मच पानी डालकर इसको मिक्स करके डोसे जैसा बैटर हमें तैयार करना है। तो ये देखिए बस इसी तरीके से हमें इसका बैटर बनाना है। पालक का जूस इस तरीके से हमने बनाकर पहले ही रख रखा था। 5 से 7 पालक के पत्ते लीजिए और उसे पानी डालकर मिक्सी के जार में पीस लीजिए, तो इस तरीके का ग्रीन कलर बनकर तैयार हो जाता है। अब सूजी वाले बैटर में से एक बड़ा चम्मच हम ग्रीन वाले में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके पूरा इसका ग्रीन कलर बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पे हमने पैन को चढ़ा दिया है, और अब इसमें डालेंगे हम 1 से 2 छोटे चम्मच तेल और इसे चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच सूजी वाले बैटर का, और इसे हल्का सा फैला देंगे जिससे कि ये बिल्कुल चीले जैसा बनकर तैयार हो जाए। इसे हमें न तो पतला बनाना है न ही ज़्यादा मोटा। अब जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी उसका सारा मिक्सचर इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे फैला देंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और इसके हमें 1 मिनट तक पकाना है। तो इसी के ऊपर हम तेल डाल देंगे और इसे हम पलट लेंगे। इसे हम नीचे से भी 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़, आप कोई सी भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हो। चीज़ इसमें मेल्ट ना हो उससे पहले ही हम इसको उतार कर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख देंगे। अब उसी पैन में हमने तेल डाला है और इसी के ऊपर डालेंगे हम ग्रीन वाला बैटर। इसके ऊपर डालेंगे हम बारीक कटी हुई जो मिक्सचर सब्जियां थी उसे, और इसके ऊपर डालेंगे हम तेल और इसे भी हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। नीचे से पकने के बाद इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। तो दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो एक को पकने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लग जाता है, और ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके ऊपर भी हम चीज़ डाल देंगे, और जब तक चीज़ मेल्ट ना हो उससे पहले ही हम इसको उतार कर जो पहले वाला हमने चीला बनाया था बस उसी के ऊपर हमें इसको रखना है। अब उसी पैन में हमने फिर से वाइट वाला बैटर डाला है जो सूजी का बना था उसे, और इसके ऊपर डालेंगे हम बारीक कटी हुई सब्जियां। इसमें हमें चीज़ नहीं डालनी है, इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक हम बढ़िया पका लेंगे। और दोनों तरफ पकने के बाद इसको हमें ग्रीन वाला जो नाश्ता हमने बनाया था बस उसी के ऊपर इसको सेट करके तैयार करना है। हल्के से इसे प्रेस कर देंगे जिससे कि जो चीज़ है वो तीनों के अंदर अच्छे से मेल्ट होकर चिपक जाए, और थोड़ी सी देर बाद इसको हम कट करेंगे।
फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और ये देखिए कितना बढ़िया टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बिना ब्रेड के इतना बढ़िया सैंडविच हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये नाश्ता बच्चों को तो इतना पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने चुकंदर का जूस भी बनाकर तैयार किया था और उसी को भी हम इसी नाश्ते की तरह बनाकर तैयार कर लिया है। देखा कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम कलरफुल बना है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है। तो एक बार इसी तरीके से आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए।